नमस्कार दोस्तों, एनके फर्नीचर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लगाकर दिखाएंगे आपको ड्रॉवर का लॉक। और देखिए, इसमें बिल्कुल भी चाल नहीं है क्योंकि हमने इस लॉक को लगाया है देसी जुगाड़ के साथ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस ड्रॉवर को चेक करेंगे जो अपना ऊपर का पार्टिया है, इसके लेवल से आ रहा है लगभग हमारा ड्रॉवर। तो हम क्या करते हैं, इस ड्रॉवर को इसके अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एब्रो टैप लगा लेते हैं लगभग सेंटर में, क्योंकि ये काली बाइक का है तो इस पे अपना पेन का निशान नहीं आएगा। अब हम इस ड्रॉवर की लंबाई नापेंगे। तो जैसे कि इसकी चौड़ाई लगभग 25.5 इंची आ रही है, तो 25.5 इंची का आधा हो गया 13.25 इंची। तो 13.5 इंची पे एक निशान लगा लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लॉक का सेंटर निकालेंगे। तो ये लगभग 7 सूत आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको आधा सूत इस धार को इस ड्रॉवर से आधा सूट डीप में रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 7.5 सूत पे एक निशान लगा लेते हैं। तो जैसे कि ये लग चुका है, इसके सेंटर में एक पंच से हॉल करके और यहाँ पे अपना बर्मा चला देंगे। दोस्तों, अब हम इसके अंदर खड्डा करने वाले हैं। तो खड्डा हम इसके नाप से नहीं करेंगे, जो बाहर से अपनी कैप लगती है इस नाप से हम खड्डा करने वाले हैं। तो हमने 25 mm का बिट इसके नाप से घिस लिया है और यहाँ पे हमने इसको 4-5 हॉल करके चेक किया, तो अपना जो लास्ट वाला है वो इसके अंदर सही से टाइट आ रहा है। तो अब हम इस ब्लेड से इसमें खड्डा कर लेते हैं। इसके अंदर खड्डा करने वाले हैं, तो हमने क्या किया, एक 18 mm का प्लाई लगा दिया है और इसके नीचे एक टेका भरा दिया है। तब अब इसके अंदर खड्डा करेंगे तो इसके जो नीचे वाली माइका है उसके अंदर किपची ना निकले। तो दोस्तों, हमने खड्डा कर लिया है और सबसे पहले हमने जो इसकी कैप है इसको पहले टाइट कर देंगे। हमने इसके अंदर फेविकोल लगा लिया है, अगर आप चाहें तो इसको फेविकिक की मदद से भी चिपका सकते हैं। तो हमने इसको अच्छी तरीके से इस पर चिपका दिया है और अब इसके अंदर से लगा देते हैं लॉक। तो दोस्तों, अब हम इसके अंदर लॉक को डाल देते हैं और देखिए, ये लॉक हमारा इस धार से लगभग आधा सूत नीचे है। तो अब हम इसके अंदर 1.25 इंची के पेच लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी 18 mm की प्लाई है, तो ये आराम से 1.25 इंची का पेच इसमें लग जाएगा। तो इसका सही से पहले एक पेच लगाएंगे हम। दोस्तों, हमने इसका जो लॉक है इसमें अच्छी तरीके से सेट कर लिया है और अब हमको क्या करना है, जब इसकी पत्ती करानी होती है तो हमें बहुत दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे, इसका नाप ले लेते हैं। जैसे कि 1 इंची में 1 mm कम है, तो हम क्या करेंगे, इस पत्ती से हमने टच कर लिया है और ये इसका जो ब्लेड है ये 1 इंची में 1 mm कम है, तो हम इसका खांचा जो है वो रूटर मशीन की मदद से निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने इस ड्रॉवर को इसके अंदर डाल दिया है और जो लॉक की पत्ती है, तो हम क्या करते हैं, इस पार्टी पे निशान कर लेते हैं। यहाँ पे 2-2 सूत फालतू कर लेंगे, ठीक है, और इसी को इसको गुनिया से नीचे की तरफ निशान को उतार लेते हैं। दोस्तों, हमने दोनों निशान लगभग इसके उतार लिए हैं और हम क्या करते हैं, रूटर मशीन की मदद से इस खड्डे को निकाल देते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा निकालेंगे, लगभग 1.5 सूत के आसपास। दोस्तों देखिए, लगभग हमने 1.5 सूत इसके खड्डा अंदर कर दिया है और एक बार और बढ़ा लेंगे, लगभग हमारी 3 सूत की पट्टी बाहर है। तो 1.5 सूत तो इसमें गेज बांध कर एक बार रूटर मशीन और चला देते हैं। हम इसके अंदर ड्रॉवर को लगा देते हैं और देखते हैं अपना जो खड्डा है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं। देखिए, अब इसको लॉक करेंगे।
देखिए बिल्कुल ना तो ये लूज है और ना ही ये टाइट है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा बिल्कुल चाल नहीं है इसके अंदर ड्रॉवर के अंदर। तो आप इस तरीके से लॉक का खड्डा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।